आज हम बात करेंगे कि भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है। संविधान में भारत यानी इंडिया, भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है, संविधान में इसका ऑफिशियल नाम इंडिया क्यों रखा गया है। तो आप सभी को पता ही है कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से, हम लोग जो हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से हमारे पूर्वज जाने जाते हैं, या हम जाने जाते हैं कि वहीं से हम लोग का उत्पत्ति हुआ था, हिंदू घाटी सभ्यता से। तो भारत और इंडिया के पहले हमारे देश का नाम हिंदुस्तान था। तो हिंदुस्तान में आपको पता ही है कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने 200 300 साल 100 200 सालों तक शासन किया इंडिया में। तो उन्हें जो है भारत बोलने में प्रॉब्लम होता था, भारत उनको बोलने ही नहीं आता था कि भारत कैसे बोलें, उनको बहुत प्रॉब्लम होता था बातचीत करने में, भारत बोलने में या हिंदुस्तान बोलने में। भारत तो उस समय चलता नहीं था, उस समय हिंदुस्तान हमारे देश का नाम था, हिंदुस्तान बोलने में बहुत उनको प्रॉब्लम होता था। तो उन्होंने क्या किया कि लैटिन भाषा का यूज़ करने लगा। लैटिन भाषा का यूज़ करने में उनको एक पता चला कि भार, तो वो लैटिन भाषा का यूज़ करने लगे और लैटिन भाषा से ही एक शब्द निकला जिसका नाम पड़ा इंडिया। तो इंडिया उन्हें बोलने में अच्छा लगा और बोलने में भी आसान था इंडिया, तो वो लैटिन भाषा का ही शब्द है इंडिया, जो कि आज तक चलता आ रहा है। ये अंग्रेजों का दिया हुआ ही इंडिया है। तो जब संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें थोड़ा बहस हुआ कि जो हमारा हिंदुस्तान है उसका ऑफिशियल नाम क्या रखा जाए, भारत या इंडिया। तो जो संविधान में तय किया गया वो भारत और इंडिया दोनों को ही हमारे हिंदुस्तान का ऑफिशियल नाम बना दिया गया। ओके, भारत और इंडिया दोनों को ही हमारा हिंदुस्तान का ऑफिशियल नाम बना दिया गया। ओके, तो उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान का नाम भारत एवं इंडिया पड़ गया। इंडिया जो शब्द है वो लैटिन भाषा से ही अंग्रेजों ने निकाल के कैसे कैसे करके दे दिया। ओके, डन। अगर आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो प्लीज़ जाके गूगल कर लें। मुझे तो इसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर इस इन्फॉर्मेशन में कुछ छूट गया हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। आई एम सॉरी। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। बाय।